बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, फ्यूचर टेक्नोलॉजी। देखिए सिंपल सी बात है यार, अब मैं थोड़ा और थोड़ा सा मैं बात, ईवी स्टॉक आपने देखा होगा आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग पेट्रोल और डीजल, वैसे ही उसके दाम इतने बढ़ चुके हैं तो पेट्रोल और डीजल पे तो अब डिपेंडेंसी नहीं रह सकती ना, बहुत ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं आने वाले समय। अब दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आ रही है, तो हम लोग ऐसे व्हीकल्स देख रहे हैं जिनको चार्ज करो और चलते बनो, है ना। पहले थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब आसान होते जा रहा है, अब तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आ रही है, कार तक बन रहे, ट्रक तक बन रहे, तो जरा देखो इसमें कितनी पावर है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2050 तक आपको आपको 70-80% व्हीकल्स, मान के चलिए 2050 तक 70-80% व्हीकल्स, इनफैक्ट 100% भी हो सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही मिलेंगे। तब तक पेट्रोल और डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं वो ऑलमोस्ट मानो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो आप सोचो कि इनमें कितना दम है, आ रहा है समझ में, 2050 तक, और वहां तक पहुंचते पहुंचते आप जरा सोचो क्या लेवल होगा, क्या जर्नी होगी इन कंपनीज की, किस लेवल से इनका स्टॉक बढ़ेगा, यही है फ्यूचर, आ रहा है समझ में। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाई वी हैव टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। मैंने वैसे आपको रीजन बता दिया, बट उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है आपके पास, पेट्रोल डीजल, इनके दाम बहुत बढ़ रहे हैं, आपको भी पता है कि आप 100-100 के पार चला गया है ना। अब ये 100-100 के पार चला गया है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो खर्चा हम इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, भी कोशिश करें कि हम लोग अपने व्हीकल्स ही चेंज कर लें। और आने वाले टाइम में लोग ये चीज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या, अभी कर रहे हैं लोग, अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ उनका रुझान बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही हैं जिनके 2-wheelers, 4-wheelers, 3-wheelers अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट सब्सिडी तक दे रही है बहुत सारी बाइक्स में। आपने देखा होगा, एक तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक व्हीकल पे कम से कम 28,000 की सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट खुद सब्सिडी दे रही है।